हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रसाद और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्केल्स के बारे में। स्केल्स एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो स्केल्स मतलब एग्जैक्टली क्या है? स्केल्स अगर आपको पता है मतलब आपको म्यूज़िक पता है। स्केल्स एक तरह का एक समंदर है म्यूज़िक का, जिसमें अगर आप जाओगे तो आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा स्केल्स के म्यूज़िक के बारे में। तो इस वीडियो में स्पेसिफिकली मैं बताऊँगा मेजर डायटोनिक स्केल के बारे में। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि बेसिक म्यूज़िक है क्या। तो हमारे हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक में 7 नोट्स है, जैसे कि आपको पता होगा सारे गम प ध नि। तो ये 7 बेसिक शुद्ध स्वर है। और अगर वेस्टर्न म्यूज़िक की अगर बात करें तो ये मैं यहाँ से कुछ नोट्स निकाला है, आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आए। तो ये है बेसिक नोट्स वेस्टर्न म्यूज़िक के, CDEFGAB। ये बेसिक नोट्स हैं वेस्टर्न म्यूज़िक के, ठीक है। और वैसे देखा जाए तो कुल मिला के 12 नोट्स होते हैं, अगर शार्प नोट्स और फ्लैट नोट्स मिलाया जाए तो। अभी जानते हैं कि फ्लैट नोट्स क्या है और शार्प नोट्स क्या है। तो दोस्तों, फ्लैट नोट्स जो होते हैं वो होते हैं एक नोट के इमीडिएट पहले वाला, प्रीवियस वाला नोट, वो होता है फ्लैट नोट। और शार्प नोट मतलब इमीडिएट बाद वाला, ठीक है। फ्लैट नोट हमेशा उस नोट के पहले आता है और जो शार्प नोट होता है उस नोट के बाद में आता है इमीडिएटली। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो टोटल 12 नोट्स है, ठीक है। सी है, सी के बाद सी शार्प, उसके बाद डी है, उसके बाद ई फ्लैट है, फिर ई, फिर एफ, फिर एफ शार्प, फिर जी, जी शार्प, ए, बी फ्लैट, बी। तो अभी आसान तरीके से मैं आपको बताता हूँ शार्प नोट्स कौन से हैं। सी शार्प, एफ शार्प, जी शार्प और फ्लैट नोट्स हैं ई फ्लैट और बी फ्लैट। हम नॉर्मली तौर पे कभी भी डी शार्प या ए शार्प नहीं कहते हैं, कभी कभी कहते हैं, लेकिन बेसिक चीज़ है कि बी का बी फ्लैट नोट है और ई का ई फ्लैट नोट है, ठीक है। डी का शार्प या ए शार्प इसे हम कहते हैं नहीं, लेकिन अगर ए शार्प या डी शार्प अगर आपको कहीं सुनाई दे या आप कहीं पर पढ़े तो उसको समझिए आप, डी शार्प मतलब ई फ्लैट है और ए शार्प मतलब बी फ्लैट है, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है अभी शार्प नोट आता है बाद वाले नोट में, सी के बाद आया सी शार्प, और फ्लैट नोट आता है पहला, ई के पहले ई फ्लैट है और बी के पहले बी फ्लैट है। ये टोटल मिला के हो गए 12 नोट्स। अभी के लिए इतना ही याद रखिए। अभी तक आपको कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है तो टेंशन मत लीजिए, मैं आपको पूरा एग्जैक्टली बताऊंगा कि क्या बेसिक चीज़ है। धीरे से इसको समझिए और जो मैं चीज़ें आपको बताऊंगा टेक्निक्स, उसको प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। तो अभी आते हैं बेसिकली डायटोनिक स्केल पे। डायटोनिक स्केल का एक फॉर्मूला है टोन टोन सेमीटोन, टोन 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 सेमीटोन, जिसको हम होल स्टेप हाफ स्टेप, होल स्टेप होल स्टेप हाफ स्टेप ऐसे भी कहते हैं। तो ये क्या है एग्जैक्टली? तो जैसे कि आपको पता है अभी मैंने कहा कि टोन मतलब होल स्टेप है, मतलब पूरा स्टेप है, पूरा टोन है, और सेमीटोन मतलब एक हाफ स्टेप है, आधा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे सी मेजर डायटोनिक स्केल लिया है यहाँ पे समझाने के लिए आपको। तो सी के बाद डी आया, यहाँ पे हमने सी शार्प लिया है नहीं लिया है, तो सी के बाद सीधा हम डी पे आए हैं एक शुद्ध स्वर पे, तो वो है टोन, ठीक है। ये पूरा हो गया टोन। इसके बाद वैसे ही है, डी के बाद ना हमने डी शार्प लिया है या ई फ्लैट लिया है, तो हम यहाँ पे पूरा टोन है। ई के बाद कोई ई शार्प नहीं होता है, ई के बाद सीधा इमीडिएट नोट होता है एफ, तो ये हो गया हाफ स्टेप सेमी टोन, ठीक है। इसके बाद देखोगे एफ के बाद एफ शार्प आता है, वो हमने लिया नहीं है, सीधा जी पे गए हैं, ये है पूरा टोन। उसके बाद सीधा ए पे गए हैं जी के बाद, वो है पूरा टोन। उसके बाद ए के बाद सीधा बी पे गए हैं, ये है पूरा टोन। और फिर बी के बाद, बी के बाद कोई बी शार्प नहीं है, सीधा सी आता है, ये हो गया सेमी टोन। अगर आप देखोगे सी नोट पे कहीं पे शार्प या फ्लैट नहीं है, इसलिए हम सी को जीरो शार्प भी कहते हैं या नेचुरल स्केल भी कहते हैं, जिसमें सी एक ऐसा स्केल है जिसमें कोई भी शार्प, सी मेजर स्केल, कोई भी शार्प या फ्लैट नोट है नहीं। उसके बाद अगर डिफरेंस देखें आप यहाँ पे जी का, तो जी में 1 शार्प लिखा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक एफ शार्प नोट हुआ है। तो वो क्या है, जैसे आपको बताया जी के बाद ए पूरा टोन हो गया, ए के बाद बी पूरा टोन हो गया, बी के बाद सी, ठीक है, बी के बाद सी यहाँ पे क्या था, सेमी टोन, सेमी टोन है। उसके बाद सी के बाद डी टोन है, टोन है। ई के बाद एफ आता है, लेकिन चूंकि हमारा फॉर्मूला है टोन टोन सेमी टोन, टोन 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 सेमी टोन,
तो टोन हो गया, टोन हो गया, सेमी टोन हो गया, टोन टोन। ई के बाद अभी आना है टोन फिर से, तो हम यहाँ पे ई के बाद एफ नहीं ले सकते क्योंकि वो सेमी टोन है, इसलिए हम सीधा गए हैं एफ शार्प पे, पूरा टोन हो गया। और एफ शार्प के बाद अभी हमें लेना है सेमी टोन, ठीक है। तो यहाँ पे जी शार्प नहीं ले सकते, हमें सेमी टोन लेना है, इसलिए जी इमीडिएट नोट। तो अगर आप देखोगे ये अगले ऑक्टेव का नोट है सी जी, ये अगले ऑक्टेव का है। तो बेसिकली चीज़ ये है गाइज कि शार्प नोट आता है बाद में, फ्लैट नोट आता है पहले। दो फ्लैट नोट्स है, ई फ्लैट, बी फ्लैट, और तीन शार्प नोट्स आते हैं, सी शार्प, जी शार्प और एफ शार्प। तो अभी मैं आपको बताऊंगा बेसिक चीज़ सी मेजर डायटोनिक, सी मेजर स्केल क्या है एग्जैक्टली, सी मेजर स्केल। तो सबसे पहले चीज़ आपको पता होना ज़रूरी है कि ये नोट्स यहाँ पे कौन से बनते हैं। अगर आप देखोगे इससे पहले वाले लेसन में जो फिंगर्स एक्सरसाइज का लेसन था उसमें मैंने बताया था आपको ये, तो सबसे पहले वाला स्ट्रिंग है ये ई स्ट्रिंग, इसको हम लो ई स्ट्रिंग कहते हैं। इसके बाद आता है ए, फिर आता है जी, सॉरी फिर आता है डी, फिर आता है जी, फिर आता है बी, और फिर आता है हाई ई स्ट्रिंग, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये लो ई स्ट्रिंग सबसे पहले वाला, तो ई, ई के बाद क्या आता है सीधा एफ, एफ, एफ शार्प, फिर जी, जी शार्प, फिर ए, ए शार्प, ठीक है, या बी फ्लैट, उसके बाद बी, फिर सी। तो इस तरह से ये बनेगा पूरे फ्रेट पे। तो इसको प्रैक्टिस कीजिए, आप जान लीजिए कि कौन सा नोट कहाँ पे है। फिर ए आया तो ए, ए के बाद बी फ्लैट, फिर बी, फिर सी, फिर सी शार्प, फिर डी। तो इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए। सात नोट्स तो आपको पता हो गए, 12 नोट्स टोटल, शार्प कौन से, फ्लैट कौन से। तो ऐसे पहले प्रैक्टिस कीजिए इसको, ई, फिर क्या है ये एफ, एफ शार्प। तो ये आपको नोट्स पता हो जाएंगे एग्जैक्टली, ये एक दिन में नहीं होगा, ये आपको प्रैक्टिस करते बाद एक पता चलेगा, आपको पकड़ आएगी कि एग्जैक्टली नोट कहाँ पे। अभी मुझे अगर आप पूछो सी नोट क्या है, तो सी नोट यहाँ पे है, सी नोट यहाँ पे है, ये मुझे पता है। तो ये आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। तो अभी आते हैं सी मेजर डायटोनिक स्केल क्या है एग्जैक्टली। तो मैं आपको इसके तीन चार पोजिशन बताता हूँ एग्जैक्टली कहाँ पे स्टार्ट होते हैं। दोस्तों अभी मैं आपको बताता हूँ कि मेजर डायटोनिक सी स्केल, सी मेजर स्केल एग्जैक्टली क्या है। तो उसके लिए यहाँ पे जो मैंने दिखाया था आपको, ये वाला जो स्केल है ये आप लिख लीजिए यहाँ पे या स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए इसका। तो सी डी ई एफ जी ए बी और नेक्स्ट ऑक्टेव का, ऑक्टेव का सी। तो ये कुल मिला के है सी स्केल, ठीक है, जिसमें ना कोई फ्लैट है ना कोई शार्प है। तो ये कैसे प्ले करना है आपको, ये अभी मैं आपको बताता हूँ पोजिशन कौन कौन से हैं। तो ये आपका जो रिंग फिंगर है, तो ये आपको रखना है रिंग फिंगर थर्ड फ्रेट पे, ठीक है, फर्स्ट फ्रेट, सेकंड फ्रेट, थर्ड फ्रेट ए स्ट्रिंग, दूसरा जो स्ट्रिंग है ये वाला, इस पे रखना है थर्ड फिंगर आपका, ये रिंग फिंगर, और प्ले कीजिए। ये मिला आपको सी, ये है सी नोट, ठीक है। तो सी नोट के बाद क्या हमने स्केल लिया है, सी डी ई एफ जी ए बी सी, ये आपको बजा रहा है। तो सी आपने प्ले कर लिया, उसके बाद है डी, तो डी आपको प्ले करना है ओपन से, ठीक है। उसके बाद है सी डी, आपने प्ले कर लिया, अभी आपको प्ले करना है ई। तो ई कहाँ पे है, सेकंड फ्रेट और डी स्ट्रिंग, ठीक है, सेकंड फ्रेट डी स्ट्रिंग ई मिला आपको, उसी के नीचे है एफ, एफ प्ले कर लिया, अभी आपको प्ले करना है ओपन जी। उसके बाद है सेकंड फ्रेट और जी स्ट्रिंग, वहां पे आपको मिलेगा ए, फिर ओपन बी, और फिर फर्स्ट फ्रेट बी स्ट्रिंग आपको मिलेगा सी। तो हमने क्या प्ले किया अभी, सी डी ई एफ जी ए बी सी। ये स्टार्टिंग में आपको थोड़ी तकलीफ होगी ढूंढने में, जैसे आप इसको प्रैक्टिस करोगे आपको देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी एग्जैक्टली कहाँ पे, ठीक है। तो ये धीरे धीरे से प्रैक्टिस कीजिए इसको। तो जितना जैसे कि ये रिदम था सी डी ई एफ जी ए बी सी, इसके बाद का ऑक्टेव स्टार्ट होता है यहीं से सी, उसके बाद डी, ठीक है। तो ये आगे जाके अभी तक इतना ही रखिए आप यहाँ के, ये सी तक, ठीक है, एक ऑक्टेव। तो ये हो गया एक पोजीशन। अभी मैंने जैसे आपको बताया था यहाँ पे थर्ड फिंगर रखे, ये आपका रिंग फिंगर, अभी यहाँ पे मिडिल फिंगर से आपका रखी है, यहाँ से अभी सेकंड पोजीशन स्टार्ट होता है। तो यही प्ले करना है आपको सी। तो सी के बाद, इसके बाद क्या है, ये क्या है सी शार्प है और ये है डी। तो हमारा स्केल क्या है, सी डी ई एफ जी ए बी सी। ये आप कहीं भी बजा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ये ऐसे ही बजाना है, ये एक पोजीशन से बहुत सारे पोजीशंस मिलेंगे आपको, कम से कम 7 से 8 पोजीशंस आपको पता होना चाहिए। तो ये है सेकंड फिंगर आप रखिए, आप मिडिल फिंगर सी हो गया,
उसके बाद डी, ठीक है, मतलब ये फॉर्मूला क्या है, 2 4, उसके बाद की स्ट्रिंग पे आप आइए 1 2 4, और फिर उसके बाद की स्ट्रिंग पे 1 3 4, क्या प्ले करना है आपको यहाँ पे, सी फिर डी फिर यहाँ पे ई एफ फिर जी ए बी और सी, सी डी ई एफ जी ए बी सी, और ये जहाँ पे एंड किया है आपने लास्ट में वो ये मिल गया आपको बाद वाला सी, ठीक है। तो यही से आपको अभी आपको रखना है फर्स्ट फिंगर यहाँ पे, ये है आपका थर्ड पोजीशन अभी, तो ये सी, फिर उसके बाद ये आपको जैसे मैंने फॉर्मूला बताया था 2 4 1 2 3 1 3 4, तो ये यहाँ पे अभी फॉर्मूला है 1 3 1 2 4 1 3 5, ठीक है। तो मतलब सी, उसी के एक फ्रेट छोड़ दीजिए, यहाँ पे आ गया डी, फिर आइए नेक्स्ट स्ट्रिंग पे, वहाँ पे आपको मिलेगा ई, ई के बाद आता है तुरंत एफ, फिर जी फिर ए इस स्ट्रिंग पे, फिर बी फिर सी, ठीक है। तो ये तीन पोजीशंस गाइस मैंने आपको बताए हैं, आप भी पोजीशंस ढूंढने की कोशिश कीजिए और इसको धीरे से प्रैक्टिस कीजिए। फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, तो जी स्ट्रिंग, जी स्केल, डी स्केल, इसके भी यही है, टोन टोन सेमी टोन, टोन 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 सेमी टोन। अगर आपको कोई भी परेशानी लगे मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे और आने वाले वीडियोस में वो कवर करेंगे। तो इस वीडियो में गाइस इतना ही है, और मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्प करेगा स्केल्स के बारे में जानने के लिए। ये वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को अगर आपको हेल्प करे तो लाइक कीजिएगा इसको, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ नाइस डे, बाय।